मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, सुबह के समय स्नान करके चले गए किसी पर्वत पर, आए घर लौटे तो शरीर कांप रहा था, थन 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 थन। मोहम्मद साहब 26 साल के थे और उनकी बीवी साहब 40 साल की थी, 14 ईदें उन्होंने ज्यादा देखी थी। मोहम्मद ने कहा कि शरीर कांप रहा है, थनगनाट हो रही है, ले आ चदरिया रजाइयां ले आ। घर में जो कुछ रजाई थी अड़ोस पड़ोस से जो मिली वो सब डाल दी, फिर भी मोहम्मद साहब कांप रहे। खैर पत्नी ने 14 दिवालियां ज्यादा देखी थी, दे समझदार थी, उसने कहा कि पतिदेव ये आपके शरीर तो थन थन थनन थन कर रहा है, चेहरे पे बड़ी कुछ दिव्यता दिखाई दे रही है, ये बुखार कोई संसारी बुखार नहीं है, ये कुछ अलौकिक बुखार है, सब बुखार मिटाने का बुखार आया ऐसा कुछ लगता है, बताओ क्या हो गया आपको। मोहम्मद कहते कि मैं चला गया पर्वत पर, मैंने प्रार्थना की कि हे मेरे मालिक तू मुझ पर रहमत कर, मैं तुझे खोज नहीं सकता, मैं तुझे जान नहीं सकता, मैं तुझे पा नहीं सकता, मैं तुझे नहीं पकड़ सकता, लेकिन तू तो मुझे पकड़ सकता है, मैं तुझे खोज नहीं सकता हूं लेकिन तू तो मुझे खोज सकता है, मेरे रहमत के दाता तू रहमत कर दे। ऐसे करते करते मेरा हृदय पिघल गया और कुछ थन थनाहट होने लगी। भारत के योगी कहते हैं कि कुंडलनी जागृत हुई, प्राण शक्ति जागी, आकाशवाणी हुई, चित्ताकाश में आकाशवाणी हुई। मोहम्मद कहते हैं कि आकाशवाणी हुई कि मोहम्मद कुछ बोल। मैंने कहा कि मेरे मालिक मैं अनपढ़ क्या बोलूं, फिर आकाशवाणी मोहम्मद कुछ लिख, हे खुदा ताला मैं अनपढ़ अंगूठे छाप क्या लिखूं। और होने लगा, बस जो इलाज किया त्यू मर्ज बढ़ता गया और ये मर्ज से आ गया हूं। बाहर से तो मर्ज लगता है, भीतर बड़ा आनंद और शांति आ रही है, ये प्राण शक्ति जागी। उस जमाने में इतना योग का साधन, माइके नहीं थी, ऐसे योगी सुलभ नहीं थे, ये कुंडलनी शक्ति जागृत हुई। अनपढ़ मोहम्मद बाद में जो बोले हैं वो शास्त्र बन गया है। कल यात्रा में आते समय किसी फर्स्ट क्लास के पैसेंजरों ने कहा, स्वामी जी आप रहते हैं कहाँ, आपको दर्शन करके हमको ये हुआ वो हुआ, अब हम आपके आश्रम में आएंगे। मैंने कहा संभल कर आना, बचकर आना, जरा खतरनाक जगह है। एकदम जरा सीरियस हो गए। तो बोला क्यों स्वामी जी, मैं क्या एक बार जो आता है ना फिर वो और पूछो क्यों। बोले आप बताइए स्वामी, मैं क्या एक बार आता है तो वहां लेक्चरबाजी कम होती है, लेकिन अंदर जो सोई हुई जीवन शक्ति है ना, जीवन शक्ति जितने कमजोर है उतने रोग तन और मन के घेर लेते हैं, वहां जीवन शक्ति जागृत करने के प्रयोग होते हैं। और एक इतवार को, पहले इतवार को आ जाते और हो गया असर तो हो ही जाता, नहीं तो दूसरे इतवार को, दूसरे को नहीं हुआ तो तीसरे को ही जाता है, क्योंकि अकेले में आप बैठो तो 10 इतवार भी नहीं हो सकता, 10 दिन करो तो भी नहीं होता। मैंने उनको दृष्टांत दिया कि 10 तंबूरे साज बजाओ तो 10 तंबूरों का साज की ध्वनि, 11वां तंबूरा जो पड़ा है उस पर भी असर होने लगेगी, उसकी तारें भी हिलने लगती है। ऐसे हजार हजार तंबूरे बजते हैं तो नया तंबूरा भी बजने लगता है। तो जो नया नया आ जाता है और बहुत पाप कर्म नहीं है, बहुत मूर्ख नहीं है, ध्यान की या शांति की या एकांत की जिसके जीवन में थोड़ी बहुत भी कीमत है, वो तंबूरा आके बैठ भी जाए तो फिर धीरे धीरे और थनगनाहट के साथ उसका भी हरिओम 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 चालू हो जाता है। और यही कृपा रामकृष्ण ने एक बार नरेंद्र पर की थी, और नरेंद्र लिखते हैं कि मैंने कई बार अपने को बचाया कि अब नहीं जाऊंगा, न जाने क्या हो गया है, लेकिन भाइयों वो स्वाद ऐसा है कि बार बार मुझे खींच के दक्षिणेश्वर ले जाता है। तो एक बार इतवार जैसे नरेंद्र खींचकर बार बार दक्षिणेश्वर गए, ऐसे तुम अहमदाबाद से खींचकर बार बार मोटेरा आओगे, उसलिए संभल कर आना। संकल्प अवस्था जो है ना वो ब्रह्म दशा है, संकल्प जीव दशा है। संकल्प में सत्वगुण है तो देवता, रजोगुण है तो मानव, और तमोगुण है तो दानव। जितना जितना चित्त शुद्ध होता है
उतना उतना वृत्तियां शांत होती है। सारा जगत का भोग और तूफान, सारी दौड़ धूप तुम्हारी वृत्ति को आनंदित करने के लिए है। कोई दृश्य देखकर वृत्ति को खुश करता है, कोई शब्द सुनकर, कभी कुछ करके, लेकिन वृत्ति सदा एक जैसी रहती नहीं। इसीलिए जगत का भोगी शांत नहीं रह पाता। कृष्ण कहते संतुष्टम सततम योगी, योगी सतत संतुष्ट रहता है। यत आत्मा दृढ़ निश्चया, जो यत आत्मा है दृढ़ निश्चय है। ध्यान भजन में अथवा अच्छे रास्ते चलोगे ना तो मन हमेशा अभाव में जीता है, जो चीज नहीं है उसकी कामना करता है और आ गई तो वहां रुकता नहीं, दूसरी कामना में लग चला जाएगा। मन सदा अभाव में जीता है, जो अवस्था अप्राप्त है उसकी इच्छा करता है, जो वस्तु नहीं मिली उसकी इच्छा करेगा और मिल गई तो वहां से तुरंत भाग जाएगा। ऐसे अनंत शक्तियों का था हमारा क्षीण कर रहा है। पदार्थ की इच्छा हुई उसके अनुसार भागा दौड़ी की, कश्मीर जाने की इच्छा हुई, रिजर्वेशन कराया, ये वो करा, और वहां पहुंचे तो वापस अमेरिका जाने की इच्छा हुई, वीजा करी, ये करा वो करा, गए गए, ठंड लग रही है, टिकट ले आओ, पाछा जवानी टिकट लाओ। ये मन का स्वभाव है, क्योंकि मन उस परमात्मा की सत्ता से जैसे सरोवर के ऊपर से लहरियां चलती हैं, ऐसी उस आत्मा सत्ता से तरंगे चलती हैं, उसको बोलते हैं मन। तरंग कहीं टिकती नहीं पानी में लीन हुए सिवाय, उसका मूल तो पानी है ना तरंग का। ऐसे ही जीवात्मा का मूल है तो परमात्मा, परमात्मा में जब तक टिका नहीं तब तक एक को पकड़ेगा, पकड़ा ही नहीं तो फिर उसको छोड़ेगा फिर दूसरे की तरफ। बच्चे को समझाना और मन को समझाना, मन भी एक बच्चा है, बच्चे को समझाने की युक्ति आ जाए तो आसान है, नहीं तो बच्चे को समझाते समझाते नाक में दम आ जाता है। अकबर बीरबल का चुटका है, बीरबल राज्य में देर से आया सभा में, अकबर ने पूछा क्यों देर हो गई, खास आदमी होकर इतना लेट। महाराज खास आदमी का खास बच्चा परेशान कर रहा था, मेरा जो खास बच्चा था ना नन्ना खास हो जाता है, नन्ने में मन टिक जाता है, तो वो परेशान कर रहा था, बच्चे को जरा रिझा रहा था। बोले बच्चे को रिझाने में देर? बोले महाराज आपको क्या पता, बच्चे को रिझाने में तो बड़ा समय लग जाता है। बच्चे को रिझाने में क्या, जो मांगे दे दिया बस रिझ गया। महाराज बच्चे की मांग अटपटी है, जो नहीं होता है उसको, जो असंभव होता है उसको बोलता है संभव करो, और जो संभव होता है उसको बोले यही ना खापे। ए मन बच्चे का हाल। बनने कहा कि ऐसी क्या बात है? बोले अजूर में बच्चा बन जाता हूं, आप पिताजी बन जाओ, रिझा दो। बोले अच्छा ठीक है। बीरबल बोलता बाबा बेटा अच्छा खपे पुटला, अच्छा खपे गगलू गगला, अच्छा खपे क्योंकि हाथी खपे। हुक्म दे दिया कि हाथी ले आओ, हाथी लाके खड़ा कर दिया। बोले यो आती न, यो आती न, इन्हें जो बो आती दंदन वारो आती खपे, नात वाला लाए बड़ा आती। वो आती वापस गए, बोले रोया। बोले क्या करे बाबा, देगड़ी खपे। देगड़ी तो देख मंगा करते थे। बोले ले। फिर रोया। बोले क्या कहे कि हाथी देगड़े में डाल दो। अकबर बोलता है हाथी कैसे देखने में आएगा? बोले नंगड़े बोला। बोले ओ तूफान, बोले डायो था चानो था। बोले ना हाथी देखने में जी दे।
ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी हाथी संसार रूपी देगड़े में नहीं जाएगा, फिर भी जाएगा। कैसे जाएगा? बीरबल बोलते हैं कि देखो, तुम बाप बनकर भी बेटे को नहीं रिझा सके, युक्ति चाहिए। अब मैं बाप बनता हूं और तुम बेटे की सीट पर बैठिए महाराज। अकबर ने कहा ठीक है, अब मैं भी वही करूंगा। चाह कपे के हाथी कपे, वो खिलौनों के चार हाथी लाके रख दिए। बोले देख रहे मैं बिजली, बोले चार ही अंदर है। चार ही अंदर दे धरा धर। तो युक्ति है तो फटाफट काम हो जाता है, और नहीं तो चलती रहती गाड़ी। युक्ति से मुक्ति होती है। मन भी एक बच्चा है और अनाप शनाप का सोचता है, अनाप शनाप का करता है। तुम्हारे में कर्म करने की कुशलता आ गई, तुम्हारे को मन को मोड़ने की अटकल आ गई, तुम्हें मन को प्रसन्न करने की अटकल आ गई, मन को शांत करने की कला आ गई। तो जैसे बीरबल ने अकबर को चुप करा दी, ऐसे तुम भी मन रूपी अकबर को चुप करा सकते हो। नानक बोलते चुप्पा चुप न होई, ये लाए रहा लिवतार, भुख्या भुख न उतरे। तो कैसे चुपा चुप न होए कि इन बाह्य चीजों से वो तुम्हारा मन रूपी बच्चा चुप नहीं होगा। उनको ऐसा करो मन को कि आत्मानंद रूपी देगड़े में जगत रूपी खिलौने डालना चाहो तो डाल दो और निकालना चाहो तो निकाल दो। काटवाला बाबा के साथ तो विनोद विनोद होता था, चर्चा जंगल में जाते थे ऐसे करते हुए। 7-8 दिन गुजर गए तो उनके शिष्य आके बैठ गए। मैं क्या, देखो तुम लोग दूर हटो, हमारे को अंदर अंदर प्राइवेट बात करना है। शिष्य हट गए, हम तो मित्र हैं आपस में। देखते रहे कि बाबा जी क्या प्राइवेट बात करेंगे, तो क्यों देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैंने घाट वाले को कहा कि ये देखो सब खड़े हैं, अपन मेरे को प्राइवेट बात बोलना है। तो घाट वाला बोलता है, मैं क्या बहुत प्राइवेट कहो। तो उनको थोड़ी देर पहले कोई भगत केला छोड़ के गया था आधा डजन कुटिया में, और मैं भोजन किया था। भोजन के बाद तो फल खाना ही चाहिए। मैं क्या प्राइवेट बात करना है, क्या बात है? मैं क्या केले पड़े ने दो दे दो। तो घाट वाला देखते रहते कि प्राइवेट बात है। वो केले उसमें से दो में तो सब तक सब नहीं खाते। उनके भगत भी देखते रहे, घाट वाले भी देखते रहे। अरे जो आप भीतर से प्रसन्न हुआ उसके लिए सब कर्म विनोद मात्र, सारे कर्म विनोद मात्र। खैर ये तो एक विनोद का नमूना बताया आपको। हम रवाना हो गए, हम मना आश्रम, मैं रवाना कभी नहीं होता। देह रवानी हुई, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर दिल्ली महल में आए, अजमेर पहुंचा तो भगत बोलता है कि वो अजमेर वालों का बाहर में ही दुकान है, जरा बोल के आऊं कि साईं जी जा रहे हैं अहमदाबाद। मैं क्या अभी नहीं, 25 मिनट गाड़ी ठहरती, 20 मिनट तो ऐसे ही वापरो, फिर 5 मिनट रहे तब जाओ। महाराज 5-5.5 मिनट रहे होंगे और भगत भागा बाहर कि साईं जी दिल्ली से हरिद्वार से अहमदाबाद जा रहे, जय जय। वो भागा आया, वो साईं उतरो उतरो उतरो। मैं क्या तभी तो मैंने 5 मिनट में बुलाया। जैसे तैसे थोड़े युक्ति से काम होता है, इतने में गाड़ी हली, नहीं तो 20 मिनट सिर खपाते, 5 मिनट में जान छूट गई। महाराज गाड़ी चली और आई ब्यावर स्टेशन, तो 3 मिनट रहता है दिल्ली में, टिकता है वहां तो 2.5 मिनट तो पोस्ट स्टेशन मास्टर को खोजने में लगे डिब्बा, और फिर देखा दाढ़ी वाला, बोले आप स्वामी जी आशाराम जी हैं? मैं कहा, बोले आप यहां उतर जाइए। मैं कहा वाय। बोले स्वामी जी फोन आया है अजमेर से, आपके पीछे पीछे भगत लोग आ रहे हैं गाड़ी लेके आपको लाने के लिए। मैं कहा मैं अजमेर नहीं उतरा, तो यूं क्यों उतरूं? बोले वो आप कृपा करिए उतर जाइए। मैं कहा आधा मिनट तो था। मैं कहा अच्छा अच्छा तो इतने में तो गाड़ी चली। मैं कहा देख ले। महाराज गाड़ी धोले, छ छ पैसा बब पायो, छ छ पैसा बब पायो, छ छ पैसा बब पायो, छ छ पैसा बब पायो।
पैसा कटो पैसा कटो पैसा कटो, चढ़ाई आती है ना तो बोलते पैसा कटो पैसा कटो पैसा कटो पैसा कटो, चलती रही गाड़ी अपनी और फिर तेजी से चलती तो सोहम 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 बोलती है। मैं क्या वाह वाह, ये तो ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हो। इतने में सेंद्रा में उनका फोन, लेकिन वो मेरे को ढूंढ नहीं पाया और अपने भी मजे से बैठे रहे, वो गाड़ी सेंद्रा से रवाना। इतने में आ गया सोजत रोड, वहां भी ढाई तीन मिनट रुकती है, तीन मिनट रुकती है। तो वो पोस्ट रेलवे मास्टर घूमता घामता माथर, उनको भी बेचारे को लाइन बाइन देना है, सब करना है, टेलीफोन पांच पड़े हैं, जफाकशी करके खोज लिया उसने। दाढ़ी वाले बाबा फर्स्ट क्लास में बोले, फिर स्वामी जी आप उतर जाइए। मैं क्या क्यों? बोले वो अजमेर से गाड़ी चली है और ब्यावर आई और ब्यावर नहीं मिले, फिर उन्होंने फोन किया और आप यदि यहाँ मेरी विनती नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर वो तो गाड़ी तो चले चले मारवाड़ तक वो लोग पीछा करेंगे, बेचारों को मारवाड़ आना पड़ेगा। मैं क्या चलो, इतने में तो गाड़ी बोलती मैं चलती हूँ। गाड़ी चल रही और जल्दी जल्दी सामान उतार दिया। महाराज उतर गए सोजत रोड, टिकट तो अहमदाबाद की थी, उतर गए सोजत। बाद में वो कार आई और गए, गया जाहिर सत्संग करो ये करो वो करो, हुआ नहीं, एक दिन रहे और फिर आए। तो बंदे जे मन में हिकड़ी भगवान जे मन में दे, हमारा तो कार्यक्रम था। फिर अजमेर नहीं रुके, ब्यावर नहीं रुके, फिर भी सेंधरा उतरना पड़ा और अजमेर जाना पड़ा और वहां का खाना पड़ा, पीना पड़ा, रहना पड़ा, सोना पड़ा, सब करना पड़ा। ठीक है कि नहीं? अब रो रो के करो तो तुम्हारी मर्जी, हंस हंस के करो तुम्हारी मर्जी। योगी बोलता है कि चलो प्रारब्ध होगा, भक्त कर्मी बोलता है कि प्रारब्ध होगा, अन्न जल होगा। योगी बोलता है कि उनका संकल्प होगा, ज्ञानी बोलता है प्रकृति में होगा, जीवन मुक्त बोलता है न हुआ है न होगा, ये सब खेल मात्र था। दृष्टि तुम चाहे जो लगा दो, लेकिन जिस समय जहां होता है होता है। तो बताओ स्वामी जी ये क्या होगा, प्रारब्ध था अंजल का या भगवान ने ऐसा करा, ये कैसा हुआ होगा बताओ तुम? अंजल का प्रारब्ध था कि भगवान ने करा कि वो टेशन मास्टर ने करा तब हुआ? बुधायो इसे आपके आपके जीवन के कर्मों की जाल खुल जाएगी। कैसे हुआ बताओ? घटना तीन प्रकार से घटती है, प्रारब्ध, प्राकृतिक, ईश्वर संकल्प, अपना संकल्प। ईश्वर संकल्प अच्छा है और अपना संकल्प तीव्र है तो उसके अनुसार होगा। प्रारब्ध का कुछ है, अपना संकल्प तीव्र है तो प्रारब्ध को गुलाट मार देगा। प्रारब्ध तीव्र है और अपना संकल्प कमजोर है तो ये कर देगा। अब क्या है कि महाराज हरिद्वार से तो चले अहमदाबाद के लिए, क्यों चले कि अहमदाबाद वाले बहुत थे, उनके संकल्प थे कि आतवार को बाबा जाएंगे नहीं आएंगे, तो यहां बहुत संकल्प। फिर वहां एक था, अजमेर वाले कुछ गिने गिने, तो चल पड़े फिर भी उनके संकल्पों ने तीव्रता ले ली और यहाँ के संकल्पों ने कहा कि स्वामी जाएंगे तो इतवार को ही आएंगे। जयराम जी के हैं, शनिवार को आएंगे उसके पहले था, तो एक दिन की गैप थी और उनके संकल्प में जोर पड़ा कि स्वामी जी को तो इतवार को जाना है, एक दो दिन अपने लाभ लो ना, कुछ भी हो जाए। करते भगाई, और हमारा कोई संकल्प नहीं था कि इधर जाना है उधर जाना है। तो नशो जिन नाम जो पीतो, जे नाम जो नशो पीतो, उनके कहा उन आए को न कि हिते जो पानी प्या की, होते जो प्या हिते जो खां की, होते जो खां सब भूमि गोपाल की, रली कुले ते रोटी राज ते, असा जी पकड़ी कड़ी के हिते न होते। अल भाई लो तो लो, जिसके मन में परमात्मा को पाने की इच्छा है अथवा जो परमात्मा को प्यार कर सकता है वो परमात्मा की मखलूक को भी प्यार कर सकता है। तुम्हारे चित्त में तुम्हारा मन रूपी बच्चा जब युक्ति से शांत होने लगता है, जगत के सब शत्रु मर गए, सब शत्रुओं को चुप करा दिया लेकिन मन चुप नहीं किया, तो आपके शत्रु सब जिंदे हैं।
मन मन को चुप कराने का अटकल आ गई तो सारी दुनिया के लोग भले तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोलते रहे। जरूरी नहीं कि सब लोग प्रशंसा करें, जरूरी नहीं कि सब लोग निंदा करें, जरूरी नहीं कि सब लोग सेवा करें। कोई जूतियां उछाले, कोई फूल पसारे, तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए, न जूतियों में रुको न फूलों में अटको। इसीलिए भगवान कहते अनाश्रिताः कर्म फलम् अनाश्रिताः कार्यम कर्म करोति यः कार्यम ससन्यासी च योगी च ससन्यासी न निराग्नि न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। योगी क्रियाएं छोड़कर समाधि लगाता है, लेकिन समाधि में जब तक शुभ कर्म करके मन शुद्ध नहीं किया, चित्त शांत करने की ऊंचाई पर नहीं पहुंचा, तो समाधि करने बैठेगा तो आलस्य हो जाएगा, निद्रा आ जाएगी, प्रमाद हो जाएगा। क्रिया को तो छोड़ दिया लेकिन मन के विकल्पों को नहीं छोड़ सकेगा, मन के संकल्पों को नहीं छोड़ सकेगा। सन्यासी है, अग्नि का तो त्याग कर दिया। अग्नि कई किस्म से इसका बयान होता है। एक अग्नि है जो हम तुम देखते हैं खाना बनाते हैं, तो सन्यासी उस अग्नि को नहीं छूते। खाना बना बनाया मिल गया तो ठीक है, वो अग्नि का त्याग किया। उसीलिए सन्यासी जब मरता है तब भी उसको अग्नि नहीं छुआते, उसको दफनाया जाता है, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये अग्नि का त्याग का मतलब है कि काम की अग्नि जिसने त्याग कर दी, क्रोध की अग्नि जिसने त्याग कर दी, ईर्ष्या की अग्नि जिसने त्याग कर दी, वह सन्यासी है। तो ये अंदर की अग्नि त्याग करने के लिए बाह्य अग्नि का त्याग है। दूसरे लोग कहते हैं समझदार कि स्त्री पुरुष के लिए अग्नि है और पुरुष स्त्री के लिए अग्नि है, तो जिन्होंने स्त्री त्याग कर संन्यास ले लिया वह सन्यासी है। लेकिन कृष्ण इस बात पर राजी नहीं होते कि स्त्री को त्याग करके काषाय वस्त्र पहन लिया लेकिन भीतर की अग्नि नहीं गई, स्त्री रूपी अग्नि से तो दूर हो गया, अथवा स्त्री पुरुष रूपी अग्नि से तो दूर हो गए, लेकिन अंदर से यदि विकार दूर नहीं हुए, और विकार होते हैं संकल्प में, और जब तक निसंकल्प नहीं हुआ तब तक वो योगी नहीं और सन्यासी नहीं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवः न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनः। तो जीवन की ऊंचे में ऊंची स्थिति है कि निसंकल्प दशा, संकल्प रहित दशा, ये ब्रह्म दशा है। सात्विक संकल्प देव दशा है, राजसी संकल्प ये मानव दशा है, और तामसी संकल्प ये दानव दशा है। तो इस संकल्पों के ही झगड़े हैं, एक दूसरे के संकल्प ही आपस में टकराते हैं, संकल्प ही मित्र बनते हैं, संकल्प ही शत्रु बनते हैं, संकल्प ही औरत बनती है और संकल्प ही मर्द बनता है, संकल्प ही साला है और संकल्प ही तो ससुरा है, संकल्प ही भाई है और संकल्प ही माई है। बिना संकल्प के न माई दिखेगी, न भाई दिखेगी, न साला दिखेगा, न ससुरा दिखेगा, न दुख दिखेगा, न सुख दिखेगा। तो सारा संसार का विस्तार संकल्प है। स्वामी बोधराज हो गए सिंध में, अच्छे सात्विक संत थे। स्वामी बोधराज ने कहा, भेजा रे दुश्मन जिद्वा वणन सजणन जुंगारियूं थ्यू, आहे सब ख्याल जो चरखो जगत दिलदार जी मूरत। ये सब ख्याल का चरखा है, तुम्हारे जिस वक्त जैसे ख्याल होते हैं उस वक्त तुम्हें ऐसी दुनिया दिखती है। दृष्टि रेव सृष्टि और दृष्टि समकालीन सृष्टि। तो वेदांत दर्शन ने, योग दर्शन के ज्ञाताओं ने देखा कि बाहर की सृष्टि सुधारने से अथवा बाहर के शत्रुओं को मारने से या बाहर के मित्रों को पाने से काम नहीं चलता है। अंदर के शत्रुओं को हटाना हो, इन संकल्पों को हटाओ, और अंदर के मित्र को पाना है तो अपने साक्षी भाव में आओ। श्री राम, जो साक्षी भाव में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए निष्काम कर्म कर्तव्य है। निष्काम कर्म करते करते हृदय शुद्ध हो तो कर्मों से भी समय बचाकर फिर अंतर्मुख हो जाए। कई सुधारक लोग समझते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, कुछ कमी रह गई है, हम सेवा व्यवहार करके संसार का भला कर ले। भगवान ने दुनिया बनाई है, कुछ न कुछ कमी रह गई है। जब तक अंदर का आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का आनंद नहीं आया, किसी महापुरुष का छाया नहीं है, तो कर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर मन अपनी वासना तृप्ति में तुम्हें लगा देगा। कई सुधारक हैं,
चलते हैं घर से तो सेवा के लिए, निकले हैं तो सेवा के लिए, निकले हैं तो संन्यास के लिए, निकले हैं तो साधुता ही के लिए, लेकिन फिर चले थे हरि भजन को और ओटन लागे कपास। क्योंकि इस युक्ति को हम लोग नहीं जानते। जैसे बीरबल की कहानी सुनाई ना, कि बीरबल कहता है कि बच्चे को रिझाना युक्ति चाहिए, नहीं तो बच्चा बाप हो जाता है। ऐसे मन हमारा बच्चा है वास्तव में, लेकिन उसी मन ने हमको आज तक नाक में दम कर दिया। मन कहता है इधर जाओ तब सुखी होऊंगा, इधर इधर चलो, आनंद बोलता है, मन बोलता है कि यहाँ आओ तब मजा आएगा, पिक्चर में ले जाता, फिर बोलता है इंटरवेल पड़े तब मजा आएगा, इंटरवेल पड़ा, फिर बोलता है अंदर चलो तो मजा, फिर अंदर आया, फिर बोले बाहर चलो, बाहर गए, दुकान पे चलो तो मजा, और मंदिर में होगा तो दुकान याद करेगा, और दुकान में होगा तो मंदिर याद करेगा, और दोनों में होगा तो लुगाई को याद करेगा, और लुगाई के साथ होगा तो वैराग्य को याद करेगा। करता है कि नहीं करता? ईमानदारी से आशा सांगा, नहीं तो आशा सांगा। कुंवारा है तो मंगनी चाहता, और मंगल है तो लाडी चाहता, लाडी होता तो कीका चाहता, और कीका हो जाता कि बहन आंखों ने सुख संसार में पर का कारण देर थी हुई मुझे आदल है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सार। जवान बोलते जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बूढ़े बोलते दुनिया में कोई सार नहीं। सच पूछो तो दुनिया आसार भी नहीं है और सार भी नहीं है। दुनिया संकल्पों का विस्तार है, संकल्प को संकल्प में सार असार, जो संकल्प है संकल्प मना फुरना, अफुरने में सार ढूंढना भी तुम्हारी कल्पना है, असार ढूंढना भी तुम्हारी कल्पना है। फुरना जिसकी सत्ता से पैदा होता है, उस यास को ढूंढा, बेड़ा पार हो गया, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, उसका हर व्यवहार बस विनोद मात्र व्यवहार, जेनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। बुद्ध पुरुषों को कोई बोझा नहीं लगता कोई कर्म करने का, क्योंकि वो अपने में कर्तापन देखते ही नहीं। जैसे आप दूसरे को शरीर देखते हैं, वे ज्ञानी लोग अपना शरीर भी ऐसे ही देखते हैं। जैसे आप अपने शरीर की छाया देखते हैं, ऐसे ही ज्ञानी अपने शरीर को देखते हैं। तो छाया चाहे लंबी हो, विशाल पर्वत की हो, तो फिर भी कुछ नहीं। ऐसे ही शरीर चाहे लंबा चौड़ा हो, मोटा ताजा हो, पतला दुबला हो, शरीर तो छाया मात्र है, छाया है। छाया गद्दी पे बैठी तो क्या, घोड़े पे बैठी तो क्या, गधे पे बैठी तो क्या, फ्लाइट में बैठी तो क्या, और कोने में बैठी तो क्या, छाया तो छाया ही। इसीलिए बुद्ध पुरुषों को ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बिठा दो, राजे महाराजे चरणों में बैठे हैं और चंवर झुला रहे हैं, तो बुद्ध पुरुष को गर्व नहीं होता। यात्रियों के साथ रेल के डिब्बों में थर्ड क्लास क्या फोर्थ क्लास में भी बिठा दो कहीं, जूतियों का हार पहरा के, तो उनको ये नहीं होता है कि हाय रे हाय, मेरा तो क्या हो गया, मेरा तो सब चला गया, मैं कहा था क्या ना। कभी तो चढ़े हाथी पे बाग बगीचे घूमे, और कभी नंगे पैर दर दर के ठोकर खा के रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, अंदर देखता कि वही का वही। बहारी बाग जे वांगुर रहे दिल शाद थो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खा रहे आजाद थो ज्ञानी, न दिल में द्वेष धारे थो न कह सारी सआ उन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो करे फरियाद थो ज्ञानी। दुनिया की हालत का फरियाद, दुनिया की हालत की कोई फरियाद नहीं करता, क्यों? वो समझता कि दुनिया माना संकल्प, संकल्प से सब अपने अपने संकल्प से चल रहे हैं। अब दुनिया ऐसी हो गई, कोई बोलता संसार ऐसा, कोई बोलता ऐसा, कोई। लेकिन वेदांत को और योग को ठीक से जो जानते हैं वो समझते हैं, कहते हैं कि यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, न संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। संकल्पों के त्याग किए बिना न संन्यास सिद्ध होता है न योग सिद्ध होता है। फिर कृष्ण कहते दूसरे श्लोक में, यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं होता, और जिसको सन्यासी कहते हैं वही योगी, और जिसको योगी कहते हैं वही सन्यासी है। योग के बिना सन्यास सिद्ध नहीं होता, और सन्यास के लक्ष्य के बिना योग की यात्रा नहीं होती है। तो लक्ष्य जीवन में होना चाहिए, निष्काम कर्म तो करो लेकिन वो सब प्रयोजन होने चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं। कई मूर्ख लोग निष्प्रयोजन काम करते रहते, कोई प्रयोजन नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक जो तुम्हारे कर्म है वासना रहित, सब प्रयोजन होना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं।
जैसे बैठे हैं टांग हिला रहे, कोई प्रयोजन नहीं, खामखा की चंचलता। लट्ठी लेके पानी कूट रहा है, कर्म तो है, फल की भी इच्छा नहीं, लेकिन कर्म निष्प्रयोजन है। श्री राम, किधर से आए कि पता नहीं, कहां जा रहे कि पता नहीं, हो कौन कि पता नहीं, उसको क्या बोलोगे? बेवकूफ बोलोगे कि अरे अज्ञानी बोलोगे कि ज्ञानी? कहां से आए? बोले पता नहीं। किधर जा रहे हो? बोले पता नहीं। तुम हो कौन? पता नहीं। उसको क्या बोलोगे आप? ठीक है ना? ऐसे ही जैसे तुम्हारी नजर में वो आदमी यूं है, ऐसे हम लोग ज्ञानियों की नजर में यूं है। हमको पता नहीं हम लोगों को कहां से आए, और ये सब कर कर आके अंत में कहां जाएंगे ये खबर नहीं, और हम कौन है ये भी पता नहीं। कबीर ने बढ़िया चाबुक मारा है, सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच नींद प्यासी। तो रास्ता दिखाते हैं क्या? तन थिर मन थिर नयन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर वा पालक को कल्प न पावे कोई। जिसको उस तत्व को जानने के लिए तन को स्थिर कर सकता है, मन को स्थिर करने की युक्ति है जिसके पास, दृष्टि को एकाग्र करता है, उसकी क्या महिमा हो जाती है, वो कितना भीतर से महान हो जाता है, इसका माप लगाना संसारियों के हाथ की बात नहीं है। संसारी माना धोती पे जब्बा पहनते उसको संसारी मत कहना, पेंट बुशर्ट पहनते वो संसारी नहीं, दाढ़ी और ये रखते वो संसारी नहीं। संसारी का मतलब है जो सरकने वाले संकल्पों के पीछे भाग रहा है, उसका नाम संसारी है। संसरति इति संसार, जो सरकता जाए, जो चीजें नाश हो रही है उसमें जो सुख पकड़ रहा है उसका नाम संसारी है, और जो नाशवान चीजों में सुख नहीं पकड़ता, आप सुख रूप है, उनका केवल उपयोग कर लेता है देह के लिए, वो संसार में रहते हुए असंसारी है। तो आप लोग संसार में रहते हुए असंसारी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, हमारे जैसे लोग अज्ञानी ऐसे ही जीवन मजूरी में बिता देते हैं।